हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साउंड एंड द फ्यूरी रिटन बाय विलियम फोकनर। साउंड एंड द फ्यूरी इज ए नोवेल बाय द अमेरिकन ऑथर विलियम फोकनर। इट एम्प्लॉयज सेवरल नैरेटिव स्टाइल्स इंक्लूडिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Published in 1929, The Sound and the Fury was Faulkner's fourth novel and was not immediately successful. Originally published हुआ था 1929 में। ऑथर इसका विलियम फोकनर था। जनर इसका साउथर्न गोथिक था। नॉवल है मॉडर्निस्ट नॉवल। और इस नॉवल की जो मेन चीज ये है कि ये इमीडिएट पब्लिश नहीं हुआ था। इसको पब्लिश होने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पब्लिश होते ही सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक थ्रू लिखा गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरी के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। इसका एक मेन कैरेक्टर है, वो है जेसन कैम्पसन, जो कैम्पसन फैमिली का हेड है और एक जेंटलमैन है। लेकिन ये जेंटलमैन है नहीं वैसे। इतनी बड़ी फैमिली का मालिक होने के बावजूद भी इसका जो नेचर होता है वो काबिल तारीफ नहीं होता है। ये हर चीज में नेगेटिविटी सर्च करता है और इतना कुछ किसी के बारे में ध्यान नहीं देता है। अगर बोला जाए तो ये अपनी फैमिली के लिए मतलब किसी प्रकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, किसी प्रकार की कोई अच्छा ही नहीं लेके आता है अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए जो बोलते हैं ना कि इज्जत बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे उसके परिवार की इज्जत बढ़े। कैरोलिन कैम्पसन इसकी बीवी होती है। ये भी एक ऐसी औरत होती है जो अपने आप में ध्यान देती है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देती है। ये एक टाइप की लेजी औरत रहती है और सिर्फ अपने आप में खोई रहती है। इसके बच्चे रहते हैं चार, लेकिन अपने बच्चों में किसी की देखभाल नहीं करती है। इसकी घर की एक कुक रहती है, वही उसके बच्चों की पालन पोषण करती है। तो देखा जाए तो जो ये चार बच्चे हैं, जो इनके बच्चे हैं वो मैं आगे बताऊंगी। चार बच्चे जो इनके बच्चे हैं वो अपने आप को हमेशा ऐसे ही मानते हैं कि हम शायद फादर एंड मदर की तरफ से कोई प्रकार का कोई अथॉरिटी या कोई प्रकार का साया नहीं मिल पाता है, इनको होते हुए भी नहीं मिल पाता है। तो क्विंटिन नाम का एक इनका बड़ा बेटा रहता है। ये बहुत समझदार होता है, बहुत ही ज्यादा अपनी घर की इज्जत के बारे में सोचता है। इसको बस एक ही चीज का ज्यादा टेंशन रहता है कि मेरे परिवार की जो इज्जत है, मर्यादा है, वो बनी रहे। लेकिन जेसन कैम्पसन की वजह से वो खराब हो चुकी होती है, तो ये हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है। केडी इसकी बहन रहती है, जो बहुत ही एक अच्छी लेडी रहती है। इस अगर बोला जाए तो इस पूरे प्ले में सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट केयरिंग कैरेक्टर केडी है, जो क्विंटिन की बहन रहती है। लेकिन इससे भी एक गलती हो जाती है, ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे क्विंटिन इसकी बात सुन के पहले तो इसकी गलती को अपने सिर ले लेता है कि ये मेरी वजह से ही ऐसा कर पाई है, क्योंकि शायद मैं इसकी केयर वगैरह नहीं कर पाया हूं, इसलिए ये शायद आउट ऑफ निकल गई है। और जेसन कैम्पसन को इसको बचा लेता है, इसको जेसन कैम्पसन से बचा लेता है कि इसको किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाए। तो क्विंटिन लेकिन फिर खुद सुसाइड कर लेता है कि वो सोचता है कि मेरे फादर की वजह से भी मेरे परिवार की इज्जत खत्म हुई है और ये मेरी जो बहन है इसने भी टोटली खत्म कर दी, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। और केडी जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है। अभी आता है जेसन फोर्थ। ये जो जूनियर जेसन रहता है, ये अपने फादर की तरह ही नाम रखता है। ये भी किसी इसमें भी कोई क्वालिटी नहीं रहती है। अगर बोला जाए काबिले तारीफ अगर कोई कैरेक्टर है तो केडी है। अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबल हो, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाए, ऐसा कोई नहीं है। जेसन कैम्पसन भी अपने आप में रहने वाला आदमी रहता है, सिर्फ अपना सोचता है और अपने बारे में मतलब स्वार्थी टाइप रहता है। बेंजे रहता है, ये मेंटली डिसऑर्डर रहता है इसको। और इसकी जो केयर है वो एक कुक का बेटा रहता है लस्टर, वो उसकी केयर करता है। केडी बेंजे को बहुत प्यार करती है। केडी अपने तीनों भाइयों की बहुत केयर करती है, बहुत देखभाल करती है, क्योंकि कैरोलिन कैम्पसन जो इनकी मदर है, इनकी तरफ से तो कोई केयर इनको नहीं मिलती है। डिल्सी गिब्सन इनके घर की कुक रहती है, जो इन बच्चों का पालन पोषण भी करती है और इनके घर का कुकिंग का भी काम संभालती है। और इनका जो ग्रैंडसन है लस्टर, ये बेंजे का केयरिंग केयर टेकर रहता है। केडी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब सोचती है कि मेरे बच्चे को नाम देने के लिए मैं किसी से शादी करूं, तो वो हर्बर्ट हेड नाम के लड़के से शादी करती है। हर्बर्ट हेड जो रहता है वो एक बैंकर रहता है, बैंक में काम करता है। और वो केडी के इस प्रपोजल से खुश भी हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे इस प्रपोजल के बाद में मैं तुम्हारे भाई बेंजे को बैंक में एक नौकरी दिला दूंगा, ताकि वो
अच्छे से रह पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा और अपना फ्यूचर भी अच्छा बना पाएगा। तो केडी से खुश हो जाती है, लेकिन जब शादी होने के बाद भी हर्बर्ट हेड को पता लगता है कि जो जो इसके पेट में बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है। वो बच्चा रहता है एक्चुअली डाल्टन एमिस का, जिसकी दोनों की एक बेटी रहती है, मिस क्विंटिन, मिस क्विंटिन होती है। तो ये उसको डिवोर्स दे देता है और फिर केडी इसको डिवोर्स लेने के बाद फिर वापस अलग हो जाती है और अपने बच्चे को पालती है। और ये मिस क्विंटिन जो रहती है, ये अपने जेसन मतलब जूनियर जेसन रहता है उससे बहुत ज़्यादा बहस करती है। बेंजी इससे दुखी हो जाता है क्योंकि इसको वो बैंक की नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वो केडी से दुखी हो जाता है। और ऐसे करके केडी जो सब कुछ केयरिंग करते हुए भी इसको किसी का साथ नहीं मिलता, अल्टीमेट यही होता है कि ये अकेली रह जाती है। तो ये स्टोरी साउंड एंड फ्यूरी की आपको कैसे लगी आप प्लीज बताइएगा, और सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत शॉर्टली बताने की कोशिश करी है, स्टोरी पूरी टोटल इसमें ऐड करने की कोशिश की है, आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।